नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। थाना नारकी क्षेत्र के पचवार में रहने वाले विकलांग व्यक्ति का थ्री व्हीलर में रखा झाड़ियों में मिला शव। परिवार का आरोप है शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर हत्या की गई है। परिवारी जनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकलांग करता था भगत का कार्य। दो युवक किसी गाँव से आए और जागरण की कहकर लेकर गए थे विकलांग को, ऐसा परिवारी जनों का कहना है। बता दें कि मृतक विकलांग की मां का कहना है दो महीने पूर्व हुआ था झगड़ा, उसी रंजिश में की गई है हत्या। खास रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। कौन थे वो तुम्हारे? माया देवी। कौन थे तुम्हारे? लड़का बड़ा वाला। क्या हुआ था? ऐसा हुआ कि दो महीना पहले लड़ाई आ गई। अच्छा। मोटरसाइकिल टूट रही थी। अच्छा। तो वो ये कह रहा भाई भोसड़ी के हमारी साइकिल मोटरसाइकिल संवरवा न तेरे गोली मार के भाग जाएंगे। अच्छा। और देख लिया अगर साइकिल मोटरसाइकिल नहीं संवरवाई तो मार दूंगी मैं। अच्छा। हाँ, मेरे सामने कई माने तो जी क्या मतलब रंजिश निकाली गई है? हाँ, तो और कहा निकाल हुआ भाई, रंजिश ही निकाल। तो आपने अभी थाने में शिकायत दी क्या? यही पे लिखी गई है। और यही पे लिखी गई है की मालूम ना है। थाना कौन सा पड़ता है आपका? नारकी पड़ते है। रानी। क्या हुआ? हमारे घर से भगतई करते हुए। अच्छा। तो कुशालपुर तक दो लड़का आए, एक सारो आओ एक बहनोई आओ, माई माई लगती है इनकी। अच्छा। सो 4 बजे यहाँ तक ले गए, कही हम ले जा रहे हैं जागरण बजर होगा। कहाँ पे? महुआ के नगरा मन जागन में गए हुए, पलंग तो आ रहे थे। सो मट्टी हमें टेम्पू में मिली है, ये चनोरा वालों जो हाईवे है, हाईवे पलंग झाड़ी है तो पेड़ कट रहे, मशीन की आ रही की आवाज़ सुनाई पड़ रही। तो हमने जैसी भी इनकी शकल देखी, हमने भाई से कही, हमने भाई इनके कछु नहीं है, यहाँ पर नीला साई ऊपर से पानी निकल रहा हो धका धक। मोड़ा भाव संग गया तो मोड़ कही, तो कही तू साले किसी से बताया तो तुम्हारे फांसी लटका देंगे, तो एक बात नहीं बता सकता। वो तो भैया हमारो बेटा बच गो तो कहाँ को तोड़ो है, मेरे आदमी परी विकलांग आदमी, हमार कोई कम भैया ना दबैया जई मोड़ा हमार खा लिया। तो अबे मन माई घरे जाता रात 3 दिन रात माई अन पे आई गद्दी डर आए वे बिना संग में सब जने आते। और फिर उनको लड़का आओ छोटो वालो बोई लेगा सारे बहनों ही दोनों ऑटो में आते 3 जने 2 बजे सारे बहनों ही। थाने में शिकायत की है? थाने में ना करी, यही गो लिखवाई है, बिन्ने दरोगा ने लिखी है कंप्लेन लिखवाई। अब तुम चाहती क्या? हम जो चाहते मैंने बंगिया चौधरी को फांसी की सजा हो, हमारे मोड़ा के कैसे जिंदगी बर्बाद होगी। मैं मोड़ा को रागे हो को पाले हो। पहले कोई दुश्मनी थी का? कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी, कोई नहीं थी भैया, मिनकी हो तो हमें ना मालूम, हमें कोई बात नहीं बताते। क्या हुआ? ऐसी बात ही जिस कह रही थी जांगन बजाने जाऊंगा मैं, बगड़ी बगड़ी करूंगा मैं, फिर दो जनी आई थी तो भी लेगी मैं, होता तो मुझे मैं खुद भी उनके साथ हो जाता, मैं कुछ भी लेकर के ले गए माई के लड़के आए, फिर दो जनी लाद के ले गए जांगन पर, फिर मालूम नहीं पड़े लौट के कहाँ गए हैं, जागन बजावे गए हैं कभी नहीं समझा है। ऑटो में बैठा दिया था। पर उनके है उन कहाँ का मामला है? कसालपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना कौन सा लगता है? नारकी। तुम्हारे कौन थे? मेरे भाई थे। क्या नाम था भाई का? संतोष। कोई दुश्मनी वगैरह? हाँ जी। एक दफा वैसी जाती तब तब गाड़ी भाड़ी कुछ चट होगी, तब कह रहा मैं तुम्हें देख लूँगा, नौकरी थी